हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। आप ये कैप आपके 3 से 4 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो बहुत ही आसान बनाने में है और मैंने व्हाइट कलर से बना रखी है, तो आप चाहें कोई भी कलर से इसको बना सकते हैं और बिगनर भी इसको बना सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बता रखा है बताना। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सिलाई में 10 नंबर की सिलाई ले लेंगे, ये देखिए, क्योंकि हमारी वूल बेबी वूल है और पतली है थोड़ी, तो बेबी वूल है, सॉफ्ट बहुत है ये वूल, तो ये गंगा की वर्धमान वूल है। और हमने सबसे पहले एक सिलाई के अंदर 90 फंदे डालने हैं, मतलब 90 स्टिच डालेंगे हमने, 45 जोड़ और 90 फंदे हो गए हमारे। तो हमने फंदे किस तरह डालने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कोई डिज़ाइनर फंदे नहीं डाले हैं, तो मैं आपको एक सिलाई में डाल के दिखा देती हूँ। जैसे सिलाई ले ले लीजिए 10 नंबर की, और फंदे डालने के लिए आपने बिल्कुल सिंपल फंदे डालने हैं और एक ही धागे के फंदे डालने हैं, सिंगल धागे से। जैसे ये देखिए, ऐसे ये बिल्कुल सिंपल फंदे डालेंगे आप इसमें स्टार्टिंग में, यहाँ से ऐसे। ये मैं आपको वैसे डाल के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये धागे से ऐसे बिल्कुल सिंपल वे में ये फंदे डालने हैं आपने। तो आपने मैंने यहाँ पे ये देखिए इस सिलाई में 90 फंदे डाल के और उल्टा उल्टा का बॉर्डर बना लिया है। उल्टा उल्टा बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कम से कम अपनी 1 2 3 4 5 6, तो अपनी 6 सिलाइयाँ यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब सिलाइयाँ गिनेंगे तो ये हमारी 11 सिलाइयाँ हैं, ये मेरी 11वीं सिलाई है। और उल्टी तरफ से यहाँ से ये यहाँ से उल्टा है ये, तो हमने उल्टी तरफ से जब सिलाई निकालनी है यहीं से हमारा डिजाइन शुरू होगा कैप का। तो हमने उल्टी तरफ से डिजाइन शुरू करना है। सबसे पहला फंदा हम उठा लेंगे, जैसे भी आप लोग बुनते हो या उठाते हो, और धागा पीछे कर लेंगे। और ये देखिए ये फंदा हमारी उल्टी सिलाई है और यहाँ पर उल्टे आ रखे हैं, 12वीं सिलाई है मेरी ये। ये देखिए ये उल्टा दिखाई दे रहा है हमें, तो हमने यहाँ से बनाना है इसको, यहाँ से बीच में से, यहाँ से ये देखिए, और फिर आगे धागा करके एक उल्टा बनाना है, फिर पीछे धागा करके एक फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा ऐसे बनाएंगे। ये डिज़ाइन मैंने पहले भी बता रखा है आपको, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है तो कैप के लिए बहुत अच्छा बनता है। ऐसे हमने पूरी सिलाई एक उल्टा और पीछे धागा करके यहाँ से हमने बीच में से सिलाई लेके ऐसे निकालना है, बस यही रिपीट करते जाएंगे हम। एक उल्टा और एक यहाँ से बीच में से, ये होल दिखाई दे रहा है हमें पहला, इसके अंदर से, और फिर एक सीधा। तो बस मैं ऐसे ही करती जाऊंगी और पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूंगी अपनी। तो ऐसे ही हमने डिज़ाइन डालते हुए अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट करनी है, जो हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये, कोई भी डाल सकता है इसको। एक फंदा उल्टा और एक सीधा बनाते हुए बीच में से ऐसे डाल के, और लास्ट में एक उल्टा और लास्ट का फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे। और अब हम आ गए सीधी साइड, उल्टी तरफ से हमारा डिज़ाइन शुरू हुआ तो सीधी साइड आ गया। अब सीधी साइड हमने क्या करना है, पहला फंदा उठा लेंगे, ये पहला फंदा उठा लिया और धागा पीछे कर लिया, और यहाँ पे हमने पूरी सिलाई सीधी डाल देनी है। हमारी पूरी सिलाई सीधी जाएगी, इसमें कुछ नहीं करना आपने। ये हमारी दूसरी सिलाई है डिज़ाइन की, पूरी सिलाई सीधी बनाने के बाद मैंने एक सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बना लेनी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अपनी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है मैंने, ये देखिए उल्टी तरफ से हमारा डिज़ाइन शुरू हुआ था, तो सीधी तरफ से मैंने एक सिलाई सीधी
और फिर उल्टी तरफ से उल्टी और फिर सीधी तरफ से सीधी एक सिलाई, तो हमारी तीन सिलाइयाँ होगी। फिर मैं उल्टी तरफ आ गई हूँ, ये देखिए, और फिर हमने यही डिज़ाइन रिपीट करना है जो हमने नीचे स्टार्टिंग में उल्टी तरफ से रिपीट किया था। पहला फंदा चाहे आप उतार लें चाहे बना लें, और फिर अगला फंदा आपने ऐसे बीच में से बनाना है। फिर आपने उल्टा फंदा लेना है एक, और फिर बीच में से एक फंदा बनाना है। फिर उल्टा फंदा लेंगे और फिर इस फंदे को बीच में से ऐसे बनाएंगे। बस आपने यही रिपीट करते जाना है। ये डिज़ाइन डालने के बाद आपने एक सिलाई सीधी और एक उल्टी फिर एक सीधी, तीन सिलाइयाँ डालने के बाद ये डिज़ाइन हमारा बनता हुआ जाएगा। तो ऐसे करके हमने अपना ये डिज़ाइन वहाँ तक कंप्लीट करना है जहाँ तक हमारी कैप की लंबाई हमें पूरी नहीं हो जाती। तो यही डिज़ाइन आपने रिपीट करते जाना है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरफ दिखना शुरू हो गया ये। तो यहाँ देखिए मेरी कैप की लंबाई पूरी हो गई और मेरा ये पैटर्न ऐसा बन के आया, बहुत ही अच्छा और सुंदर लग रहा है। ये देखिए बहुत बारीक बारीक बन के आया, 90 फंदों में मैंने ये पैटर्न बनाया है। तो यहाँ से मैं अगर इंची टेप रखती हूँ तो यहाँ तक मेरी 6.5 इंच लंबाई आ रही है। अब मैंने क्या करना है इसको, अब घटाना है कैप को। तो हमने घटाना कैसे है, ये देखिए एक फंदा उठाएंगे और अगला फंदा बुनेंगे, मतलब दो फंदे हमने बुनने हैं और अगले फंदे दो का एक कर देना है। फिर हमने दो फंदे बुनने हैं और फिर दो का एक कर देना है। दो फंदे सीधे बुनेंगे और दो का एक कर देंगे। ये हमारा सीधी तरफ से घटा रही हूँ मैं, दो फंदे बनाएंगे और दो का एक कर देंगे। यही रिपीट करते जाना है, दो फंदे हमने सीधे बनाने और दो का एक बनाना, ऐसी हमारी कैप घटती ही जाएगी। तो ये मैं सिलाई पूरी कर लेती हूँ। तो हमारी ये घटाने वाली सिलाई पूरी होने वाली है, दो का एक करना और दो फंदे बनाने फिर दो का एक कर देना है और लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे। अब उल्टी सिलाई पे आ जाएंगे। उल्टी सिलाई में हमने उल्टा उल्टा बुनना है, इसमें कुछ नहीं घटाना, आपने सीधी तरफ से घटाना है बस। हमने दो फंदे बुनने हैं और दो का एक बनाना है, यही करते हुए जाएंगे हम और अपनी कैप को घटा लेंगे। और जब हमारे ऊपर थोड़े से फंदे रह जाएंगे तब तक हमने इसको ऐसे ही घटाना है, उल्टी तरफ से नहीं घटाएंगे, सीधी तरफ से घटाना है और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई ऐसे निकाल देंगे। तो मैं आपको ये घटा के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे सारे फंदे घट गए हैं, ये देखिए यहाँ से मैंने फंदे स्टार्ट किए थे घटाने। और मैं आपको बताना चाहूँगी जब हमने फंदे स्टार्ट करने हैं घटाने तो हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे, सीधा और उल्टा बनाएंगे क्योंकि डिज़ाइन फिर सेट नहीं होता। तो मेरे यहाँ पे घट के सारे फंदे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 फंदे रह गए हैं। 14 फंदों को हमने एक सुई ले लेनी है और धागा डाल लेना है, ये यही धागे में हम सुई डाल लेंगे और थोड़ा तोड़ लेंगे। तो इस सारे फंदों को मैं इस सुई के अंदर ऐसे डाल लूँगी, 14 फंदे जो मेरे बचे हैं। इन 14 फंदों को डालने के बाद फिर मैं इसकी कैप की सिलाई कर दूँगी, ये देखिए ऐसे खींच लेंगे और उल्टा करके ऐसे, और यहाँ से हम इसको फिर दोबारा सिल लेंगे ताकि इसकी गोलाई आ जाए। ये देखिए ऐसे। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल लेंगे। पहले हम ये पक्का कर लेते हैं यहाँ से। सिलाई भी आप अपने अपने तरीके से करते हैं, तो मैं यहाँ पे यहाँ से ये साइडों में से दो दो फंदे उठा के, ये जो हमारी साइड में किनारी बनी है दो इस तरफ से और दो उस तरफ से उठा के,
ऐसे इसकी सिलाई कर दूंगी। तो मैं ये सिलाई अपनी यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी और यहाँ लास्ट में आके हमने इसको पक्का कर देना है और धागा तोड़ देना है ऐसे। तो ऐसे हमारी कैप कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ऊपर से गोलाई कितनी अच्छी आ रही है इसमें जो हमने घटाया है। और अगर मैं इसको सीधी करती हूँ ऐसे तो इसका लुक कुछ इस तरह आता है, बहुत ही सुंदर बन के आई है। तो अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, जैसे मैंने ये देखी ये पीछे से सिलाई की है तो हमने इसको बीचों बीच ऐसे रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे धागे बांध रखे हैं, ये किस लिए हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। अब हमने इस कैप के जो नब्बा फंदे हैं, नब्बा फंदों को हमने चार हिस्सों में बाँटना है। तो चार हिस्सों में अब कैसे बाँटेंगे, यहाँ पर मेरे बीच में मेरे यहाँ पे और यहाँ पे मेरे फंदे बराबर होने चाहिए और बीच के भी बराबर होने चाहिए। जैसे कि 26 फंदे तो मेरे यहाँ यहाँ तक जो ये सिलाई है यहाँ से यहाँ तक 13 फंदे यहाँ होने चाहिए और 13 फंदे यहाँ होने चाहिए। ये धागा बांध के मैंने इसीलिए दिखाया आपको, 26 फंदे यहाँ तक बीचों बीच होने चाहिए, इसी तरह यहाँ 26 फंदे होने चाहिए। तो 26 और 26 54 में हमने 90 फंदों में से 54 घटा देंगे तो हमारे पास पीछे 36 फंदे बच गए हैं। तो 36 फंदों में 18 फंदे यहाँ से यहाँ तक के हैं और यहाँ से यहाँ तक के हैं। तो अब हमने ये जो हमारे यहाँ से किनारे से दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से यहाँ 18 फंदों में से हमने इसको सिलाई में उठाना है। तो हम कैसे उठाएंगे, जो हमने एक सिंगल धागे की बॉर्डर बनाई थी, सिंगल धागे से हमने अपने फंदे डाले थे स्टार्टिंग में, वहीं से हमने एक एक फंदा उठाना है ऐसे। तो ये बहुत ही अच्छे से और उठेगा। यहाँ से मैं उठा लूँगी और धागा लगा दूँगी। ऐसे हम धागा लगा देंगे यहाँ से ऐसे और पीछे हम धागे को बांध देंगे और फिर हमने अगला फंदा उठाना है। ध्यान से उठाइए इसको, ये उठाया, चाहे आप 12 नंबर की सिलाई से उठा लें पहले फिर आप 10 नंबर की सिलाई लगा लें इसमें। यहाँ से हमने गिन गिन के उठाने हैं 18 फंदे, तो ध्यान से उठाइए आप जो हमने सिंगल धागे के अपनी फंदे डाले थे स्टार्टिंग में, वही सिंगल धागा उठाना है हमने। 4 5 यहाँ से यहाँ तक उठा लूँगी मैं। तो यहाँ से देखिए मेरे यहाँ तक 18 फंदे मैंने उठा लिए। अब ये नोट हम खोल देंगे जो हमने बांधी थी। अब 18 फंदों को हमने सीधा सीधा बनाना है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे उठा लेंगे और ये लाइन हम पूरी सीधी बना देंगे। पहली लाइन है जो हमारी पहली सिलाई है, तब दूसरी सिलाई में हमने पहला फंदा उठा लिया और अगले दो फंदों का एक बना देंगे। घटाना है हमने यहाँ से, दो फंदों का एक बना देंगे, फिर हम आगे वाले फंदे ऐसे बुन देंगे सीधे सीधे। यहाँ पे आपने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है, सीधी सिलाई सीधी, उल्टी सिलाई सीधी। और आपने स्टार्टिंग में एक फंदा लेके फिर आपने आगे दूसरे फंदे के दो फंदों का एक बनाना है और लास्ट में भी आपने ये देखिए तीन फंदे रह गए हैं, तो इन दो फंदों को भी
एक कर देना है। एक ही सिलाई में आप दोनों तरफ से घटाओगे और फिर मेरी तीसरी सिलाई मेरी पूरी सीधी जाएगी, मतलब हमारा सीधी तरफ से एक एक फंदा दोनों तरफ घटेगा और अगली सिलाई हमारी पूरी सीधी जाएगी, इसमें नहीं घटेगा। अब हमने इसको वहाँ तक घटाना है जहाँ हमारे चार फंदे नहीं रह जाते। 18 फंदों को हम दोनों तरफ से एक एक करके घटा देंगे और चार फंदे रह जाएंगे, तब तक हमने इसको घटाई करनी है। इसकी एक तरफ से दो फंदे घटा देंगे और दूसरी सिलाई में हमने पूरा सीधी सिलाई बनानी है। ये लास्ट का फंदा हम उल्टा बना लेंगे और अब इस तरफ से हमने देखिए फंदे घटाने हैं, तो यहाँ से हम दो फंदों का एक बना देंगे ऐसे सीधा, क्योंकि हम सीधा सीधा बुन रहे हैं। अगर आप उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो उल्टी तरफ से उल्टा ही घटाइए, जैसा आप घटाना चाहें। और लास्ट के हमारे तीन फंदे रह गए, फिर हमने दो फंदों को फिर घटा देना है। लास्ट का फंदा चाहे आप उल्टा ले लें चाहे आप सीधा ले लें। तो ऐसे करके हमने जब तक हमारे चार फंदे नहीं रह जाते तब तक हमने इसको घटाना है। अब देखिए यहाँ मैं घटाती घटाती चार फंदों पे आ गई हूँ। अब चार फंदे हमने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है, और ये मैंने कम से कम ये डोरी 5-6 इंच की बना लेनी है, उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधी सिलाई। चार फंदे में मैं इसको 5-6 इंच बना लूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। तो आपने ऐसे इस तरफ से इसको बना लेना है, फिर यही 18 फंदे आपने यहाँ से और यहाँ से उठा के ऐसे ही आपने घटाना है इसको, जैसे मैंने यहाँ पे उठाया और सीधा सीधा बुनना है। उसके बाद चार फंदे रहने के बाद फिर आपने सीधे जगह सीधा बुनना है और उल्टी जगह उल्टा बुनना है। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी 60 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको चार फंदों को बंद कर देना है ऐसे। मैंने 60 सिलाइयों की ये पट्टी बनाई है, ये डोरी बनाई है। आप चाहें इससे लंबी कर सकते हैं और यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। अगर पॉम पॉम नहीं लगाने तो इन धागों को आप सुई से अंदर कर दीजिए। और ये हमारी कैप ऐसे बन के आ गई, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन के आई है और बहुत ही सुंदर और इजी वे में बनने वाली चीज़ है। मैंने यहाँ छोटा सा पॉम पॉम बना दिया है और लगा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपको कोई भी चीज़ इस कैप में समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी। और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू।